तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों की लंबाई को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल करके अपने बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़ाना, तो इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिए। मैं आपको स्टेप टू स्टेप इस नुस्खे को बनाकर दिखाऊंगा और इस्तेमाल करते से ही आपको 3 दिन में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है जो निकला है जो आपके बालों को 3 दिनों में बढ़ता हुआ दिखा पाए। मैं आपको कुछ ऐसा है यहां नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे घने और मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए तैयार करते हैं इस नुस्खे को। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए यहां जो हमने सामग्री का इस्तेमाल किया है ये आराम से आपको अपने घर पे मिल जाएगी। आपको यहां कोई भी एक्स्ट्रा चीज यहां इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपके डेली घर पे डेली यूज में आता है वही सामान यहां हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो बताते हैं यहां आपको सबसे पहली जो चीज है वो कौन सी लेनी है। यहां जो हम सबसे पहली चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दोस्तों चाय पत्ती। दोस्तों यहां पर हमने चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। चाय पत्ती जो होता है ये हमारे बालों को पोषण देता है, हमारे बालों को काला घना और मजबूत बनाने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो ये तो हो गया, आपको यहां लेना है अपना चाय पत्ती। और ये जो है हमने यहाँ कटोरी इसको इस्तेमाल किया, इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ जो आप दूसरी चीज लोगे वो होगा जो हम चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का एक बर्तन। तो आपको यहाँ पर आधा लगभग पानी ले लेना है, आधा गिलास के लगभग, और यहाँ पर जो है आपको चाय पत्ती इसमें डाल देना है। और डालने के बाद जैसे आप चाय बनाते उसी तरीके से इसको उबालना है। और यहाँ पर जो है आपको आधा का भी आधा यहाँ पानी बचाना है, और बचाने के बाद उसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको पूरा तैयार कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो चाय पत्ती है उसको अच्छी तरीके से यहाँ उबाल कर इतना थोड़ा सा लगभग निकाल लिया है यहाँ से। और इतनी मात्रा में आपको निकालना है अगर आप एक लड़की हैं। अगर आप लड़के हैं तो इसका और भी कम मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लड़की के हिसाब से यहाँ लिया है। और लेने के बाद यहाँ जो आप दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों शैम्पू। दोस्तों शैम्पू तो आप अपने बालों पे इस्तेमाल करते होंगे अपने बालों को शाइन करने के लिए, तो यही जो है आपको शैम्पू यहाँ इस्तेमाल करना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मैं क्लिनिक प्लस इस्तेमाल कर रहा हूं आप क्लिनिक प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे। आप जो भी शैंपू अपने बालों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही शैंपू यहां आपको लेना है। मैं यहां एक शैंपू लेकर इसमें जो है डाल दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। यहां जैसे ही आप शैंपू डालते हैं, डालने के बाद आपको एक चम्मच लेकर इसे धीरे धीरे करके यहां मिला लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। और मिलाने के बाद जो है यहाँ आप जो अब अंतिम चीज इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों लेमन। दोस्तों यहाँ पर अब हम लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको आधा कटा लेमन इस तरीके से यहाँ पे जो है डाल देना है। और डालने के बाद ये जो नुस्खा है ये बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है, ये आपके यूज में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो इस तरीके से थोड़ा सा और इसे मिलाना है, और मिलाने के बाद अब आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये जान लीजिए आप। दोस्तों जैसे आप अपने बालों को डेली पानी से धोते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने हाथों पर लेकर पूरे जड़ से लेकर पूरे ऊपर तक आपको लगाना है अपने बाल पे। और लगाकर दोस्तों इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। और छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 15 मिनट बाद अपने पूरे बाल को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपको थोड़ा सा शाइन दिखेगा, जो आपके बाल होंगे ना वो बाल धीरे धीरे करके जो है बढ़ने लगेंगे। और अपने नींबू में जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। और जो शैम्पू है शैम्पू हमारे बालों को शाइनी बनाता है। और हमने जो है चाय पत्ती इस्तेमाल किया है हमारे बालों को एक पोषण देता है, हमारे बालों को लंबा करता है। तो इस तरीके से आपको इस नुस्खे को तैयार करना है, और तैयार करके आपको जो है हफ्ते में सिर्फ 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। आप इसका इस्तेमाल अपने बालों पर कर सकते हैं, आपको इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। इस्तेमाल कीजिए, कैसा लगा मेरे को ये नुस्खा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के कोई नए नुस्खे टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।